हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर क्लास। राधे उतारो, स्वागत है दोस्तों। दोस्तों आज हम फिर बात करेंगे, बी एस यूनिवर्सिटी लेके आ चुका हूँ आपको। क्वालिफिकेशन में कुछ कोर्सेस आपको मैं कराया था, कुछ बाकी है। आज फिर भी क्वालिफिकेशन के इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल ही करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और बाकी है। और जो भी मैं 4 क्वेश्चन आपको करा रखा हूँ, वो कैसे आपको लगा, क्योंकि काफ़ी मज़ेदार होगा। मैं लॉन्ग तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत मज़ेदार कर रहा हूँ। आपको जब एक्सरसाइज करोगे ना, तो वहाँ पर आपको शॉर्टली में करना होगा, इसलिए पहले आपको मैं एक्सरसाइज, जब भी किसी का फिगर वाला टॉपिक है तो आपको मैं एक्सरसाइज फुल के फुल मतलब बता रहा हूँ आपको। और वहाँ पर तो लगाओगे तो फिर आपको कहोगे यार कंसेप्ट कुछ नहीं, कंसेप्ट तो पहले देना बंद हो, उसके बाद तो खुद आप कर सकते हो कि हाँ कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो हो जाएगा। तो आई होप आप लोग तो अच्छे होंगे, और मेरा चैनल पर आप नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन आपके पोस्ट है, और शेयर भी कर देना ताकि आप लोग, आपकी भी जो भी दोस्त लोग हैं वो भी आपको मेरा ये वीडियो देख पाए दोस्तों। दूसरी बात क्या है कि बिजनेस लॉ भी साथ साथ में आपको मैं शाम को शाम आपको वीडियो डाल रहा हूँ, वो भी आप कैसे देख रहे हो, वो भी आपको हैंड रिटन मतलब लिख के समझा के बता रहा हूँ, कि ताकि आपको सारा समझ आए। इसने बोला था कि आपने बुक से बस कंसेप्ट ले रहे, तो आप लिख के प्रैक्टिस भी कराइएगा साथ में, तो आपको उन लोग को सही लगेगा कि हाँ कि मतलब समझा अच्छे तरह। लेकिन नहीं तो ऐसे काम लगा कोई सुनने लगता है, इसलिए मैंने आपको कॉपी से लिखा के अच्छी तरह से बता रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, जिस तरह बोले उसी तरह मैं अपने वो सुधार कर लूँगा कि हाँ कैसे क्या करना है। तो ये सब बातें होते रहेंगे, लेकिन हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत कुछ करना है आपको, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करना नहीं है। सीधा मात्र क्वालिफिकेशन में वहाँ से आपको एक्सरसाइज के पहले 4 और 5 क्वेश्चन बचे वो करते हैं, फिर हम देखेंगे आज एक्सरसाइज हो पाएगा तो एक्सरसाइज भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, नहीं तो कल के दिन फिर अपना इस लेक्चर्स में मीन्स जो भी नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें हम क्या होगा एक्सरसाइज करेंगे क्वालिफिकेशन के, नहीं तो इसमें ही करेंगे, देखते हैं कैसे होगा। चलिए दोस्तों, निकालिए आप कॉपी और पेन, अब मैं भी निकालता हूँ और साथ में फिर पढ़ते हैं, बहुत मज़े आएगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बस देखा देखा लगेगा कुछ कि हाँ ऐसे ऐसे किया था, लेकिन कोई नहीं लगेगा, वो तो लगता ही है, बस आप करने में पता चलेगा। आइए दोस्तों फिर मिलते हैं, कॉपी निकालिए और बुक्स भी निकाले, सेशन वगैरह बाकी ट्रांसपोर्टेशन वाले आपको से लेना है, और जिसका भी जो बुक है वहाँ से आपको कोर्सेस करना है। ओके आइए दोस्तों। तो ये दोस्तों, तो ये 3 नंबर क्वेश्चन तक दोस्तों हम कर लिए था, आपको कल ही करा दिया था। ये जो लेट किए थे 2x y = 2x किए थे दोस्तों, 2x के पावर x = y किए थे ना, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन सब कल कर दिया। अब 4th क्वेश्चन से आज करने वाले, 4th क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, ये आपको सोल्व करने के लिए बोला है। चलिए क्या है, x - 1/x² क्या है होल स्क्वायर प्लस 2x + 1/x = 7 बना 1/ क्या है 4 है। आपको ये दे रखा है क्वेश्चन और बोला गया कि हमें सोल्व करना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ऐसा सिंपल होगा उस तरह के हमसे कराने वाले, लेकिन लॉन्ग होगा लेकिन उस तरह के समझा के कराने वाले। आइए दोस्तों ये भी क्वेश्चन के करते हैं फिर। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन क्या है दोस्तों, x - 1/x² प्लस 2x + 1/x = 7 1/4, ये हमारा क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया। अब इसे क्या करना है, सोल्व करने के लिए बोला दोस्तों, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करना वाले, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यही करने के लिए बोला दोस्तों, बिल्कुल यही करना है मुझे। तो आइए
बहुत सही तरीके से करने वाले दोस्तों इसको, हम तो बहुत इसको सही तरीके से करने वाले। तो सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन पहले हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो है ना इसको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में ले आते हैं, ये तो फ्रैक्शन है ही है, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करके प्योर फ्रैक्शन में लाते हैं। एक्स माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस, एक मिनट दोस्तों, अच्छा मैं लगा लेता हूँ, चलिए आइए उसको क्या दे, टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू सेवन फोर जा सेवन फोर ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट हो गया, और ये प्लस वन ट्वेंटी नाइन बाई फोर, ये तो पता ना इससे मल्टीप्लाई और ये ऐड होता है बिल्कुल, ये तो बचपन में पढ़ा देते थे मैथ सब्जेक्ट में। अब हमें करना क्या है दोस्तों, अब हमें करना क्या है दोस्तों, आपको एक बात तो आपको पता ही होगा कि ये x माइनस वन बाई एक्स मीन्स ए माइनस बी के होल स्क्वायर है। तो आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था दोस्तों, याद है a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ये आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये पढ़े थे ये वाला, बिल्कुल बहुत रिपीटेड पढ़ते, a माइनस बी के होल स्क्वायर करो ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला हमने बहुत बार पढ़े। तो हम ये वाला है ना, इसको ए माइनस बी ए, ये ए हो गया, क्या हो गया होल पूरे क्या वन एक्स है बी हो गया, तो हमें इसको क्या फॉर्म में लिखना है, ऐसे वाला फॉर्म में लिखना है। आइए लिखते हैं, फिर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए मतलब एक्स, बी मतलब वन बाई एक्स फोर ए बी, ओके ये तो दे रखा है आपको टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बाई फोर, तो ये पहले से है, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं समझ, ये पहले होता है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आया कि नहीं, बिल्कुल समझ आएगा, फोर ए बी मतलब ए ए बी ए, तो ये एक्स एक्स तो कर जाएगा दोस्तों, कर जाएगा ना बिल्कुल कर जाएगा, बचा गया फिर एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ट्वेंटी नाइन अपॉन में फोर, इसका ही हमारा है ना, इतना ही दोस्तों, बिल्कुल इतना ही हमारा है। अब ये फोर के उधर कर सकते थे आप, बिल्कुल कर लेते हैं, कर लो दोस्तों बिल्कुल आ जाइए, एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू ट्वेंटी नाइन बाई फोर प्लस फोर, इसको यहीं सॉल्व कर देते थोड़ा, कितना आ गया और फोर जाए सिक्सटी मीन्स नीचे फोर होगा उन थर्टी प्लस सिक्सटी, दोस्तों इसी में एक बार मैं लिख देता हूँ कितना होगा कि दो तीन बार वही स्टेप को लिखने से अच्छा, ट्वेंटी नाइन प्लस सिक्सटी दोस्तों फोर्टी फाइव आ रहा है, फोर्टी फाइव अपन फोर, एक बार और सही से देखो क्या हो रहा है, एक्स प्लस वन बाई एक्स के होल स्क्वायर देगा और सॉरी प्लस टू एक्स माइनस वन बाई एक्स हो जाएगा इसका टू फोर्टी फाइव बाई फोर हो जाएगा, इतना है दोस्तों, इतने तक आ चुके हम सब, समझ आ रहा है बिल्कुल, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट आते दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, अब इस तरह सोल्व करते आपको बहुत लेंदी होते चल जा रहे हैं, हम क्या करेंगे जो भी x प्लस वन बाई एक्स है ना उसको हम p से डिनोट कर देंगे, या y से डिनोट कर दे, आप जिस तरह से भी कर सकते हैं, क्या y से कर दे, चलो y से ही कर देते दोस्तों, क्योंकि y लेते रहते हैं ना हर एज्यूम करते ये मुझे करना है, तो आपको y x जा y ज़्यादा होता है ना, चलिए ठीक है y कर दिया बोलिए, ठीक है मीन्स ये कितना हो जाएगा, ये होल की क्या है वाई माने, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टू, ये माइनस में जाएगी प्लस में जाएगा दोस्तों, अब सॉरी दोस्तों ये टोटल यहाँ से प्लस में था मैं माइनस में लेकर रखा, यही सब होता है इसमें आपको दिक्कत होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जब ये माइनस में था तो हमें वो करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, वाई स्क्वायर प्लस
टू वाई इज इक्वल टू 45 बाई समझ आ रहा दोस्तों, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब आइए इसको इधर लेके आइए, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 45 बाई 4 इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, देखो हम एलसीएम लेंगे तो 4 नहीं पर नीचे रहेगा, 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। अब ये निकल के आ जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों जाएगा। अब हम इसे क्या करना है दोस्तों, अब इसे हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, फिर हमारा x के निकल वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फैक्टराइज करेंगे तो किसका वैल्यू आएगा दोस्तों, y के x से नहीं, किसका आएगा, वाई दिया है ना तो वाई के तो आएगा बिल्कुल। आइए फिर बात करते हैं दोस्तों, बात करेंगे हम। अब ये इशू करने के लिए 45 होगा तो अब 5 9 जो 45 नहीं होगा, 48 भी तो आना चाहिए दोस्तों, ऐसे हम करेंगे जहाँ पर क्या आना चाहिए, तो 45 फोर में करेंगे कितना होगा, या आप माइनस बी स्क्वायर प्लस वाला कर रहे हैं वो भी कर लेते हैं दोस्तों, वही वाला कर लेते हैं, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू 8 हो जाएगा और सी इक्वल टू माइनस 45 हो जाएगा, इसे भी कर ही लेते हैं उसमें क्या, तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। हाँ बिल्कुल दोस्तों समझ आ रहा है, माइनस बी माइनस 8 प्लस माइनस रूट में बी में 8 के स्क्वायर हो गया माइनस 4a 4 माइनस 45 पाई 2 एक मतलब 4 माइनस 8 प्लस माइनस कितना जाएगा 64 माइनस ये मल्टीप्लाई के लिए कितना, ये डायरेक्ट प्लस लो दोस्तों, ये माइनस ये जब आएगा तो प्लस हो ही जाएगा, और इसको 4 इंटू 4 इंटू 45 करते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 45 720 8 क्या करेंगे माइनस 8 प्लस माइनस कितना होगा 720 प्लस 784 आ रहा है दोस्तों, नीचे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 784 के रूट क्या आएगा कितना आ रहा है 28 माइनस 8 प्लस माइनस 28 बाई, अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे एक बार क्या निगेटिव साइन ले लेंगे, प्लस बी ई साइन माइनस 8 प्लस 28 बाई 8 इधर क्या लिख देंगे माइनस निगेटिव साइन माइनस 8 माइनस 28 बाई 8। आइए दोस्तों कीजिए इसको कितना आएगा, 28 में सेट किया था 20 बाई 8 और ये कितना आ जाएगा 36 बाई 8 आर एस तो मतलब बिल्कुल, ये हो जाएगा कितना 4 5 जा 20 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा आपको कितने 4 से करो 4 9 जा 36 4 2 जा 8 मीन्स 5 बाई 2 और दूसरा क्या है माइनस 9 बाई 2 ये है दोस्तों बिल्कुल यही आ रहा है दोस्तों। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या, ये वाला आप कहाँ डालेंगे, अब हम जो भी लेट किए थे उसको हम क्या करेंगे दोस्तों पुट करते हैं, कहाँ पर लेट किए थे ये रहा यहाँ पर हम लेट कर देते एक्स प्लस वन बाई, इसके बदले वाई को क्या रखें एक बार 5 बाई 2 रखें एक बार माइनस 9 बाई 2 रखेंगे,
आइए दोस्तों रखते हैं फिर, आइए दोस्तों रखते हैं एक बार क्या, 5/2 था एक्स प्लस 1/x इजकल टू वाई था ना दोस्तों, क्या करेंगे x प्लस 1/x इजकल टू 5/2 करेंगे, एक बार 5/2 रखेंगे ना बिल्कुल। अब इसको आ जाएगा एक्स ऐसे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजकल टू 5/2 क्रॉस मल्टीप्लस की दोस्तों 2x² + 2 = 5x, ये भी अब क्या बन रहा है कि इक्वेशन बन रहा है -5x इधर लेके आएंगे तो +2 = 0, ये क्या बन रहा है दोस्तों, ये इक्वेशन एक बन रहा है बिल्कुल। दूसरा हम क्या रखेंगे x + 1/x = -9/2, हाँ बिल्कुल ये भी ऐसा ही आ जाएगा x² + 1 = -9/2 दोस्तों। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 2x² + 2 = -9x, इधर लगा क्या जाएगा +2x² + 9x + 2 = दोस्तों 0। समझ आया कि नहीं है दोस्तों ये बताइए, समझ आया दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहा होगा। इसको भी दोस्तों हम क्या करेंगे फाइंड आउट करना पड़ेगा फिर किस तरीके से, जैसे किए थे वैसा ही करते थे फिर। तो ले जाए -b + √b² - 4ac/2a, थोड़ा ये तो लॉन्ग समझना पड़ेगा दोस्तों, लेकिन आपको तो कैसे पूरा वैल्यूएशन कराएंगे जब एक्सरसाइज आएगा। इसके -b + √ में b² - 4ac/2a, माइनस बी कितना हो गया मतलब पहले इसको करते हैं, माइनस बी मीन्स 5 है, पहले से माइनस ये तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, बी माइनस 5 के होल स्क्वायर माइनस 4, ए बने को 2, सी बने को 2, माइनस बी बने को 9 के माइनस 9 हो गया प्लस माइनस बी स्क्वायर 9 के होल स्क्वायर माइनस 4a 2 × c को मतलब 2, तो a को मतलब 2, ये समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल समझ आ रहे हैं। अपर में 2a भी है दोस्तों 2 × 2, आइए कीजिए सॉल्व 5 + -25 - 4 = 8 = 16, ये 4 हो जाएगा, इसका भी कीजिए दोस्तों -9 + -9 = 81, 4 × 2 कितना जाएगा 16 हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। फाइव प्लस माइनस कितना जाएगा 9 आ जाएगा, सॉरी 9 तो राइट नो रूट 9 के 3 हो जाएगा ना, तो बिल्कुल ये 4 हो जाएगा, -9 + 8 ये घट के 9 आएगा दोस्तों, इसका घटने के 3 हो जाएगा, और ये घट कितना आएगा 7 60 कितना जाएगा 81 - 16 = 65 आ रहा है दोस्तों, कितना आ रहा है 65 आ रहा है +-65/4 यार दोस्तों बिल्कुल ही आ रहे हैं। अब ये दोस्तों रूट में आपका आ गया, क्या आ गया रूट में आ गया, तो ये हमारा आंसर तो इससे बिल्कुल होगा ही नहीं, अभी हम कर रहे हैं किस में इससे, तो 5 + एक बार प्लस साइन लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो जब प्लस है तो कितना आ रहा है 5 × 3 = 8/4, ये 2/4 मीन्स ये कट के 2 आ जाएगा, और ये 1/2 मीन्स आपका हो जा रहा है 2 और 1/2 हमारे क्या हो जा रहा है आंसर हो जा रहा है। हमें क्या ये वाला पुट करेंगे इसी तरह तो आपको आ जाएगा सोल्व, इतना करने जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ कैसे कैसे सोल्व हुआ दोस्तों, कैसे कैसे आपको सोल्व हुआ, ये समझ आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5
ये लीजिए दोस्तों, वो आ गया फिफ्थ नंबर पर। क्या दोस्तों, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पास हो गया। अरे क्या लिखा है, बोला सोल्व टू के पावर एक्स माइनस टू प्लस टू के पावर थ्री माइनस एक्स इक्वल टू थ्री। ये तो बहुत आसान है दोस्तों क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। आइए इसको भी हम करते हैं, फिर बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर फिफ्थ। आओ कितना ध्यान से समझा रहे, एक एक बार समझा दोस्तों, ऐसे आपको समझाने वाले बहुत कम मिलेगा। टू एक्स प्लस क्या है, एक्स माइनस है दोस्तों, माइनस है टू के पावर एक्स माइनस टू है। बिल्कुल कुछ तो देखना पड़ेगा, टू के पावर क्या दिया है, थ्री माइनस एक्स दिया है, इसका टू क्या आ जा रहा है, थ्री हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समझ आ रहे कि नहीं आ रहे दोस्तों, ये बताइए समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, बिल्कुल आ रहे आपको। तो आइए इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व करने के लिए बोला है तो सोल्व करेंगे। ये आप इंडिशियस देख रहा होगा जैसे, तो हम इसको ऐसे लिखे टू के पावर एक्स इंटू टू के पावर माइनस टू प्लस टू के पावर थ्री मतलब क्यू टू के पावर माइनस एक्स इजकल टू थ्री। हाँ समझ आया दोस्तों, बिल्कुल आ रहा होगा। टू के पावर एक्स इंटू, ये टू के पावर दोस्तों क्या है, आप तो एक रूल आपको याद होगा दोस्तों, अगर एक के पावर क्या होता था, ऐसे होता था इनवर्स माइनस वन इक्वल टू वन बाई ए होता था। क्या होता था, वन बाई होता, ये है वन, तो वन बाई टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, टू स्क्वायर हो जाएगा ना, बिल्कुल सॉरी टू के पावर माइनस टू दिया मतलब वन बाई टू के पावर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल मीन्स ये वन बाई फोर हो जाएगा, टू के स्क्वायर तो वन बाई फोर होगा ना, बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, एट हो जाए इंटू, ये भी है तो वन बाई टू के पावर एक्स इक्वल टू थ्री। समझ आया कि नहीं आया दोस्तों स्टेप, ये आपको स्टेप समझ आया कि नहीं, बिल्कुल सही तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम क्या करें दोस्तों, कि टू के पावर एक्स ऊपर है, अगर एक नीचे अगर ऊपर ही पर तो हम कॉमन ले लेते हैं, अब तो नीचे आ गया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, फिर हमें क्या करना है, लेट करना है क्या, कि टू के पावर एक्स इजकल टू वाई, फिर वाई करते हैं एक्स इजकल टू वाई। आइए क्या हो जाएगा, ये वाई ऑफ वन में फोर यही हो जाएगा ना, इसके बदल वाई प्लस एट बाई वाई इजकल टू थ्री। एक टू के पावर नीचे एक्स है तो यहीं नीचे वाई लिखेंगे दोस्तों, जहाँ जहाँ टू के पावर एक्स था वहाँ वहाँ क्या लिख दिए, वाई लिख दिए, और कुछ नहीं किया इसमें। अब इससे हम क्या करेंगे दोस्तों, एल सी एल लेंगे तो फोर वाई आएगी, अब एक हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस फोर एट जा थर्टी टू इजकल टू थ्री, एट फोर था थर्टी टू जाए ना दोस्तों, इसके पास वाई ये फोर नहीं है, फोर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एट फोर था थर्टी टू। ये समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस थर्टी टू इजकल टू फोर थ्री जा टू बे वाई, यहाँ तक समझ आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल आ रहा है। आइए नेक्स्ट पेज में कर दिए पेपर, ये तो खत्म, और नेक्स्ट पेज में लिखते हैं क्या है, वाई स्क्वायर प्लस थर्टी टू इजकल टू टू मीन्स वाई स्क्वायर माइनस टूवेल वाई प्लस थर्टी टू इजकल टू जीरो, ये क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये क्वेश्चन आ रहे हैं, वाई स्क्वायर माइनस टूवेल वाई प्लस थर्टी टू इजकल टू जीरो। आइए दोस्तों वाई स्क्वायर माइनस टूवेल वाई प्लस थर्टी टू इजकल टू जीरो, ये हो गया ना इतना, बिल्कुल। अब इसको क्या करेंगे, हम वाई के वैल्यू निकालेंगे पहले, तो आइए थर्टी टू हो जाएगा इंटू वाई स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर कितना करेंगे सिक्स से तो थर्टी टू नहीं आ रहा, एट फोर जा थर्टी टू, बिल्कुल एट फोर जा क्या आ रहा है थर्टी टू, तो वाई स्क्वायर माइनस एट वाई माइनस फोर वाई प्लस थर्टी टू इक्वल टू जीरो, एट फोर जा थर्टी टू भी हो जाएगा और एट फोर ट्वेल्व भी हो जाएगा दोस्तों, आपके दोनों के दोनों क्या खा रहे हैं, मैच खा रहे हैं। अब आइए वाई कमन ले लेंगे, वाई माइनस एट हो जाएगा माइनस फोर इधर भी कमन ले लेंगे, वाई माइनस एट हो जाएगा, मीन्स हमारे दोनों मिल रहा है इसको, करेक्ट है। आइए वाई माइनस एक एट हो जाएगा
वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा दोस्तों। इतना तो आपको समझ आ रहा हो दोस्तों, इतना समझ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों बताइए। बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एट हो जाएगा और ये वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा। सोलह के वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो वाई तो क्या आ जाएगा एट आ जाएगा फोर आ जाएगा। अब एक बार एट पे पुट करें, एक बार ये पुट करेंगे, फिर हमारा क्या निकल के आ जाएगा एक्स के वैल्यू आ जाएगा। तो आइए पुट करते हैं, क्या था कि टू के पावर एक्स इक्वल टू वाई माने थे ना, यहाँ पर लिखेंगे वाई इक्वल टू एट, वाई इक्वल टू फोर, टू के पावर एक्स इक्वल टू वाई, तो टू के पावर एक्स इक्वल टू वाई मतलब एट हो जाएगा, यहाँ पर फोर, यहाँ पर टू के पावर थ्री होता तभी एट होगा ना, क्योंकि इसको बेस मिलाना है तो टू के पावर में ही जाएगा ना, टू के पावर इक्वल टू टू के पावर स्क्वायर मीन्स एक्स इक्वल टू क्या जाएगा थ्री हो जाएगा, टू टू आ जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री टू, ये हमारा क्या आ जाएगा एंसर हो गया दोस्तों। समझ आए कि नहीं आए दोस्तों ये बताइए, समझ आ रहे बिल्कुल आ रहे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब ये दोस्तों सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन कितना दे रखा है टू माइनस थ्री, आपको नोट आपको पढ़ाया था ना जब नेचर ऑफ द रूट पढ़ाया था, आपको अब याद आ रहा होगा। देखिए दोस्तों एक रूट क्या देगा टू माइनस रूट थ्री फ्रॉम द इक्वेशन गिवन एट द रूट आर इरेशनल, और रूट क्या देगा टू प्लस रूट थ्री। अब इस हम इक्वेशन पता रहते हैं सम निकालेंगे दोनों को, दोनों क्या निकाले प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम क्या कर देंगे एक इक्वेशन निकाल देंगे, यही कह रहे हैं ना आपको जब भी मैं बताया था नोटों की वाला इस तरह के क्वेश्चन आने वाले आपको आ ही गया। चलिए करते हैं इसको दोस्तों, क्या है दोस्तों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर सिक्स, एक रूट मुझे दिया है टू माइनस रूट बाई थ्री और एनोदर रूट क्या दिया टू प्लस रूट बाई थ्री। दोस्तों मैं ऐसे लिखा है ठीक है, क्या कहते हैं दोस्तों टू माइनस रूट थ्री एक दिया टू प्लस रूट थ्री, कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो एक बार हम क्या करेंगे दोस्तों, एक बार हम निकालेंगे क्या इक्वेशन हमें निकाल दिया, पहले तो होगा सम ऑफ डी रूट, सम ऑफ टू रूट बोल दो ना, दो दिए तो टू रूट चल तो क्या करेंगे टू माइनस थ्री प्लस टू प्लस रूट थ्री, रूट थ्री टू कर देगा टू टू फोर आएगा, हमारा सम ऑफ द रूट क्या सम ऑफ द टू रूट क्या है दोस्तों फोर आर, क्या दोस्तों फोर आर। अब इसको क्या निकाल देंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा टू माइनस रूट थ्री टू प्लस रूट थ्री, आपको दिख रहा होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो पड़ा होगा ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी मीन्स, अगर ये दोनों दिया है तो ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमें वही करना है। यहाँ पर ये क्या लिखना है ए स्क्वायर मीन्स टू के स्क्वायर हो जाएगा माइनस रूट थ्री के स्क्वायर हो जाएगा, ये दोनों दिया तो ऐसे फॉर्म में लिख ही सकते हैं, ये होता तो हम ऐसे करते हैं ना, ये है तो हम ऐसे इसको कर देंगे, लिखा जाएगा फोर हो जाएगा और रूट थ्री स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा थ्री आ जाएगा मतलब वन, प्रोडक्ट हमारा क्या है दोस्तों वन आ रहा है। तो पर लिख आप पढ़ते ना हाउ टू कंस्ट्रक्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो फॉर्मूला आपको बताए थे दोस्तों, फॉर्मूला क्या था दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ डी रूट प्लस एक्स यहाँ पर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू वन सॉरी जीरो, ये पढ़ते दोस्तों बिल्कुल पढ़ते। तो एक्स स्क्वायर तो हो ही गया माइनस सम रूट के निकलते फोर और ये एक्स फोर एक्स प्लस प्रोडक्ट वन इक्वल टू जीरो मीन्स हमारा इक्वेशन क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, हमारा इक्वेशन ये निकल के एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या जा रहा है एक इक्वेशन निकल के आ गया, ये हमारा क्या है इक्वेशन है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि इफ अल्फा बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशंस कितना है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो,
फ्रॉम द इक्वेशन होल रूट क्या दिया है, अल्फा बीटा एंड बीटा बाई अल्फा, क्या बोला है कि दो अल्फा एंड बीटा के इक्वेशन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस जो इक्वेशन है, ठीक है, हो जो कितना है अल्फा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फा। चलो दोस्तों इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए दोस्तों इलुस्ट्रेशन नंबर सेवन, इलुस्ट्रेशन नंबर सेवन क्या था, आपको एक इक्वेशन दिया गया था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इजकल टू जीरो, क्वेश्चन दिया था हमें, पूछना था कि जो भी हमारा ये रूट दिया ना अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इस रूट के इक्वेशन हमें क्या होगा, ये पूछा था ना दोस्तों इस रूट के इक्वेशन हमें क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे वाला सोल्व दोस्तों, ये जो भी मेरे देश को अल्फा प्लस सम ऑफ रूट निकालेंगे, क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, तो सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने के लिए पहले क्या हम फाइंड करना पड़े, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा बी इक्वल टू माइनस पी सी इक्वल टू क्यू, ना तो पता है। अब आइए सम ऑफ रूट किसना होता है, सम रूट कितना होता है, फॉर्मूला माइनस बी अपन ए, माइनस बी अपन ए होता है ना, तो माइनस बी पहले से माइनस है तो पी अपन वन इजकल टू पी हो जाएगा, ए इजकल टू वन है ना, बिल्कुल। और प्रोडक्ट कितना हो जाएगा दोस्तों मेरा, प्रोडक्ट हमारा सी बाई ए हो जाएगा इजकल टू ए बाई वन इजकल टू ए, ए और दोस्तों बिल्कुल ए ही होगा, ये हमारा सम ऑफ द रूट निकल गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकल गया, ठीक है। अब दो निकालने के बाद हमें क्या है इक्वेशन क्या है, क्या बोलते हैं जो किसका रूट का निकाला है अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा, तो फिर हम निकालते हैं। आइए दोस्तों अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू, सॉरी ये मैंने क्या मुश्किल दोस्तों, ये हम इसका इक्वेशन पूछा था, ये हो गया एल सी एम अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये होगा ना, बिल्कुल यही होगा, ये होगा दोस्तों बिल्कुल यही होगा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मीन्स अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, टू अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा का तो वैल्यू में दिया गया नहीं है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो निकल जाएगा क्योंकि क्या है सम है, अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारे सम के स्क्वायर हो गया, मीन्स अल्फा प्लस बीटा हम सम के कितना पी निकालते हैं दोस्तों, देखिए पी के स्क्वायर हो जाएगा माइनस टू, अल्फा प्रोडक्ट कितना निकलता है इंटू, तो हमारा क्या निकल गया थे कितना निकल गया दोस्तों C बाई मतलब Q बाई ए होता है, मतलब Q हो गया, वहीं से हम यहाँ पर दोस्तों क्या लिख दे, A लिख दे रहे क्या देखते हैं दोस्तों, दोस्तों ये A यानी ये Q था, ये भी हमारा क्या Q है, ठीक है दोस्तों, ये समझना आपको जरूरत है, ए था दोस्तों बिल्कुल, अल्फा इंटू बीटा मतलब क्या हो गया Q हो गया प्रोडक्ट में, पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बाई में Q हो गया, क्या हो गया Q हो गया। अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या दिया था दोस्तों, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या था, तो एक्स स्क्वायर हुआ था ना, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, हमें निकाला क्या आया दोस्तों, ये सब रूट जिसका निकाला था पी स्क्वायर माइनस टू क्यू बाई क्यू एक्स प्लस वन मीन्स इक्वल टू जीरो, यही है ना। अब इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, इक्वेशन तो आया नहीं, तो क्या था एलसीएम लेंगे तो क्यूब हो जाएगा, क्यू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू, ये अब एक्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे सीधा ब्रैकेट करके एक्स कर देंगे प्लस वन, एक्स की क्यू हो जाएगा इक्वल टू जीरो,
मीन्स अब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस टू क्यू होल के एक्स प्लस क्यू इजकल टू जीरो। आगे समझ दोस्तों, ये हमारा क्या बन के आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा इक्वेशन हो गया, न्यू इक्वेशन हमें बन के आ गया। अब दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर क्या है मीन्स एट है, और ये क्वेश्चन लास्ट हमारे, उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एक्सरसाइज आ जाएगा। अभी आपको मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर एट। अरे दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर लास्ट है, आपको एक्सरसाइज दिख रहा होगा, ये करते लास्ट क्वेश्चन, टाइम मिलेगा तो फिर ये एक्सरसाइज आज करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। क्या लिखा था, सिंस द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन आर इक्वल द डिस्क्रिमिनेट मस्ट बी जीरो। क्या वाला है ये, आपको क्या रूट ऑफ गिवन इक्वेशन दे रखा है मस्ट बी इक्वल जीरो, ये आपको दे रखा है क्यूब स्क्वायर आर माइनस पी के होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू पी क्यू माइनस आर पी माइनस क्यू इजकल टू जीरो। ये मतलब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, हमें क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, ये ऐसे सोल्व करना है, मतलब हमारे को चाहिए देखा ना कि सॉरी कहा गया, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इतना दे रखा है और हमें सो डेट ये करना कर रहा है, इतना हमें क्या करना है प्रूव करना है, इतना क्या करना है प्रूव करना है। आइए फिर हम बात करेंगे इसको, आइए दोस्तों बात करते क्या, इलस्ट्रेशन नंबर एट, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो क्वेश्चन आपको देख ले प्रूव क्या करना था दोस्तों, टू बाई क्यू इजकल टू वन बाई पी प्लस वन बाई आर, आपको ये क्या करना था इसमें प्रूव करना था। तो आइए शुरू करते, क्यू स्क्वायर आर माइनस पी के होल स्क्वायर, हम इक्वेशन क्या देते दोस्तों आपको एक बार वो भी लिखा देता हूँ, इक्वेशन हमारा था पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इजकल टू जीरो, ठीक है दोस्त बिल्कुल ठीक। आइए फिर यहाँ पर सॉल्व कर दो, माइनस फोर इंटू पी क्यू माइनस आर आर पी माइनस क्यू इजकल टू जीरो, इजकल टू क्या हो जाएगा दोस्तों जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है ये समझना दोस्तों, बी स्क्वायर माइनस फोर एस इजकल टू जीरो, यही हो रहा, यही हो रहा और कुछ नहीं किया, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इजकल टू जीरो आपको नहीं पता है, तो बी स्क्वायर मतलब बी ये नहीं है, इसके स्क्वायर करेंगे तो ये तो पहले हट के आ जाएगा माइनस फोर, ये हो गया आपको, ये हो गया सी होगा मीन, अभी इधर लिख देते हैं आपको ए इजकल टू हो गया कि पी आर प्लस सॉरी ए इजकल टू पी क्यू माइनस आर हो जाएगा, बी इजकल टू कितना जाएगा क्यू आर माइनस पी हो जाएगा और सी इजकल टू आर पी माइनस क्यू हो जाएगा, यही है ना, यही यहाँ का फिर बी स्क्वायर माइनस फोर इजकल टू जीरो, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसको सोल्व करते हैं, और क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस टू क्यू स्क्वायर आर पी माइनस फोर पी आर कोस में पी क्यू हो जाएगा माइनस पी आर हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर इजकल टू जीरो। दोस्तों अब इसको बस सोल्व कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, इसको क्या कर दोस्तों सोल्व कर रहे हैं बस, अब एक जगह कास्ट कास्ट मिलाएंगे फिर आपको लिखने में सही रहेगा, प्लस क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस फोर पी स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर पी आर माइनस फोर पी स्क्वायर क्यू आर माइनस फोर पी क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या आ जाएगा दोस्तों, पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस टू आर पी के होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो जाएगा दोस्तों, इसीलिए सबको फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है तीन तीन है ना, इसलिए तीन तो लिखना ही पड़ेगा, और पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू
दिखाना पड़ेगा दोस्तों, ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर इजकल टू टू पी आर, बिल्कुल समझ आया दोस्तों। आइए फिर पी क्यू प्लस क्यू आर नीचे टू पी आर इजकल टू वन, इससे क्रॉस में करने पर इतना ही आएगा ना, बिल्कुल यही आएगा, मीन्स क्यू बाई टू इंटू पी प्लस आर बाई पी आर लिख देंगे, बिल्कुल इजकल टू वन, मीन्स और क्या आ जाएगा वन बाई आर प्लस वन बाई पी इजकल टू टू बाई क्यू, हमारे क्या आ जाएगा ये प्रूव हो गया दोस्तों, क्या जाएगा प्रूव हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक समझ आए कि नहीं दोस्तों? बिल्कुल समझ आ रहा दोस्तों। तो हम ये चाहते हैं कि आपको यहीं तरह की ज़्यादा हो गया, ये लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा ही होता है, चार पांच ज़्यादा होता है, तो आपको मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा उसमें वो क्या पढ़ाऊँगा एक्सरसाइज आपको इसके क्वालिफिकेशन के बनाने वाले, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक लिए ये लेक्चर सब कम्प्लीट कर लिया तो बाकी के लेक्चर आप देखते रहिए।